तुम अपना गहना दे दो और 10-20 मील जमीन लिए हुए उसमें से तू कट्ठा दे दो, बेच देते हैं, बेच के मंदिर बना देते हैं। हेलो टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। मैं जो आज मंदिर शेयर करने जा रहा हूँ वह दुर्गा माँ का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर है। और ये मंदिर स्थित है जहानाबाद टोल के दक्षिण साइड में स्थित गुमटी के समीप है। तो दोस्तों, इस मंदिर के प्रति काफ़ी आस्था है और एक भक्त हैं जो माता जी के हैं और श्री हनुमान जी के हैं। यहाँ दो सुंदर सी प्रतिमा है दुर्गा माँ की और हनुमान जी की। और ये जो आप देख रहे हैं गुमटी है, जहानाबाद कोर्ट का दक्षिणी गुमटी है और ये मंदिर है। और यहाँ का ये रोड है जो उत्तर साइड से दक्षिण साइड की ओर जाती है। तो मुझे ये मंदिर मिला और यहाँ के बारे में कुछ खास बातें पता चली तो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप मंदिर दर्शन कर लीजिए। तो मंदिर में आप देख रहे हैं कि दुर्गा माँ की अद्भुत और सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी श्रद्धा से इनको पूजा जाता है। यहाँ के भक्तों द्वारा काफ़ी श्रद्धा इनके प्रति है। तो चलिए माँ से आशीर्वाद ले लें। पहले मैं यहाँ जो 2-3 घंटे लगे हुए हैं इनको मैं बजा दूँ। जय माता दी। तो ये काफ़ी अद्भुत प्रतिमा है दुर्गा माँ की। तो इनसे आशीर्वाद ले लें। जय माता दी। तो ये मंदिर है और मंदिर के अंदर दुर्गा माँ की अद्भुत प्रतिमा है। और जस्ट इसके राइट साइड यहाँ आप देख रहे हैं कि श्री हनुमान जी की प्रतिमा है। और ये प्रतिमा आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है और ये उनका लुक है। और इनके चरण मैं स्पष्ट कर लूँ। जय बजरंग बली। तो दोस्तों, एक भक्त की बहुत बड़ी आस्था छुपी हुई है इस मंदिर के प्रति, क्योंकि ये मंदिर जो है एक व्यक्तिगत रूप से तो बनाई गई है लेकिन सार्वजनिक है और इस मंदिर में किसी को आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो दोस्तों, एक भक्त की अपार श्रद्धा है कि वह एक अपने मेहनत के खर्चे से या पूंजी समर्पित कर करके जो है एक मंदिर की स्थापना करता है। तो मुझसे रहा नहीं गया, जब मैं इस मंदिर में आया तो मैंने यहाँ की भक्तों की श्रद्धा देखी तो मैं इस मंदिर को शेयर करना उचित समझा। तो चलिए इस मंदिर के संस्थापक से बात करते हैं और सहयोगी से बात करते हैं। तो दोस्तों, इस दुर्गा माँ के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर के ये सेवक हैं और मंदिर की स्थापना इन्हीं लोगों ने मिलकर के की है। तो चलिए बात करते हैं चाचा जी से। चाचा जी, आपको ये मन में कैसी जिज्ञासा आई कि हम मंदिर की स्थापना करें? मंदिर की स्थापना करना अकेले की बस की बात नहीं होती है। मंदिर मुझे काफ़ी सुंदर लगा और आप लोगों की अपार श्रद्धा हम देख करके जो है चाहे कि हम इसे YouTube पर शेयर करें। तो चाचा जी बताइए। मंदिर बनाने का मुझको मुख्य तात्पर्य है कि माता के कृपा मुझ पर बचपन से ही रहता था। माता के कृपा से मुझको जागृति हुआ कि हम मंदिर बनाएं, हमको कुछ ऐसा विशेष करके माता के कृपा से विजय हुआ था। उस विजय के कारण माता के सोचे कि हम अपना जिंदगी अर्पण कर दें। तो हम सोचा कि मंदिर वो बना लें, कहाँ पूजा करेंगे, अपना मंदिर बना लेंगे तो उसी में जिंदगी हम बिता देंगे, माता के हम सेवा करेंगे। तो मंदिर बनाने के लिए हम अपना अर्धांगनी से कहे कि हम मंदिर बनाते हैं। अर्धांगनिया आपकी कौन है? अर्धांगनी मेरे बगल में बैठे हुए ये चाची जी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग माता की अच्छी तरह से सेवा करते हैं। तो उनसे राय लिए, कहीं कि ठीक है बनाइए। तो हम बोले कि तब तुम अपना गहना दे दो
और 10-20 मील जमीन लिए हुए उसमें से दो कट्ठा दे दो बेच देते हैं, बेच के मंदिर बना देते हैं, जिससे जिंदगी भर मंदिर में माते के सेवे करने है तो कहाँ जाएंगे सेवा करें, अपना मंदिर में सेवा करेंगे। तो इस जगह पर मोड़ देख कर करके, अच्छा जगह देख करके कि दार्शनिक मंदिर बनाएंगे, तो इस जगह मोड़ पर दर्शन लोग करेंगे और अच्छा इस जगह पर व्यवस्था रहेगा, पूजा लोग करेंगे, सब लोग आएंगे दर्शन करेंगे, धर्म की बढ़ोतरी होगा और हमारा भारतीय संस्कृति का रक्षा होगा और जस कीर्ति बढ़ेगा और भगवान के भक्ति करने से मुझको मोक्ष की प्राप्ति होगा। इस वजह से मैंने इस जगह मंदिर बनाया और अपना सेवा करते हैं, कोई कुछ दे चाहे मत दे, हम अपना सेवा करते हैं और अपना माता के जो प्रसाद रहता है वो प्रसाद वितरण कर देते हैं और उसी प्रसाद से हम भी अपना प्रतिपाल करते हैं, हम भी अपना खाते पीते हैं और जीवन यापन करते हैं, प्रसाद से ही हम राह भी प्रसाद चेंजता है। अब माता आनंद से रखे हुए हैं, हर तरह से सुरक्षित रखे हुए हैं, कृपा रखे हुए हैं और मामा जी भी हैं बढ़िया अच्छा से, वो भी अपना बनाते हैं खिलाते हैं और ठाकुर जी के भोग लगाते हैं और वो अपना पूजा पाठ वो भी करते हैं, हमको कभी काल तबीयत खराब रहता है तो वो भी करते हैं और वो ठीक रहते हैं तो हम करते हैं, इसी तरह से मंदिर चल रहा है। तो दोस्तों मुझसे रहा नहीं गया कि यह एक मंदिर जो जहानाबाद कोर्ट के दक्षिण साइड में गुमटी के समीप यह मंदिर, और इस मंदिर की खास श्रद्धा एक भक्त की, एक फैमिली की जिसकी सेवा ये करते हैं और अपने खर्चे से जो है कि इस मंदिर का निर्माण किए हैं, भक्तों की श्रद्धा यहाँ मिलती रहती है। कुछ लोग थोड़ा बहुत दान दक्षिणा करते हैं लेकिन ये दान दक्षिणा से जो है कि मंदिर का तो मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, लेकिन ये अपने खर्चे से इस मंदिर का मेंटेनेंस भी करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ ये नित्य प्रसाद वितरण करते हैं। तो ये प्रसाद वितरण ये लोग करते हैं और जब मैं आया तो मुझसे रहा नहीं गया। तो दोस्तों इस मंदिर के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिएगा और मेरा इनके प्रति काफ़ी श्रद्धा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।